बाहर निकल, आज तू बच के नहीं जा सकता। जान से जाने दूंगा। मुझे पकड़कर ठीक नहीं करो साहब। अरे बहुत दौड़ा है, अब तू क्या खुद के मरना चाहता है? अरे साहब छोड़ो ना, तुझे थोड़ी ना मरने दूंगा। चल चल साहब, अब ठीक नहीं करा मुझे पकड़ के। अबे छोड़। बोल, अजंता नाम था ना उस बोट का जिसमें तू दूसरे मुल्क से हथियार स्मगल करता था? किसकी बोट है वो? किसके लिए काम करता है तू? इंस्पेक्टर, तू जितना चाहे मार ले, पर मैं तुझे उसका नाम नहीं बताऊंगा। मतलब नहीं बताऊंगा। साले तू क्या, तेरा बाप भी बताएगा, समझा? दूसरी से जाके पूछ ले। ऊपर ऊपर तो तुझे मैं पहुंचाऊंगा। कमिश्नर साहब का फोन आया था, कॉल बैक करना है अभी। लॉकअप में डाल दो इसे। जी। वहीं इसकी खाल उधेड़ता हूँ। बोलता हूँ, ऐसी आ रही है ना? मजाक सुन रहा है? मजाक सुन रहा की तो है। क्यों रे? बंद करना ऑटो की। ले चलो इसे। अरे चलो रे बंदा। साला नौटंकी। आराम से रे हवलदार। शिंदे, मैं तो इधर नया आया हूँ, लेकिन तेरा ये इंस्पेक्टर दवे ऐसे ही जबरदस्त धुलाई करता है क्या चोर लोगों की? नहीं रे, दवे सबका एक हाथ सौ के बराबर है। जो पूछा जा रहा है वो चुपचाप बता दे, ना जान जाएगी तेरी, समझेगा? हंसता साले। चलो जमीन पे। इंस्पेक्टर, वर्दी में अपने आप को बड़ा मर्द समझता है ना? बाहर में अगर तुझे 10 फीट जमीन के अंदर नहीं गाड़ दिया ना, तो मेरा नाम भी मनन नहीं। थू। गुस्सा आ रहा है। तेरी तो गुस्सा आ रहा है। गुस्सा आया। क्या ज्यादा तेज जबान चलाता है? दवे साहब जाने दो, ये आपको जबरदस्ती भड़का रहा है, आप इसे देख लेंगे। हाँ साहब, हाँ साहब, हम संभाल लेंगे। यस सर। दवे, कमिश्नर साहब का फोन। सर, जिस बोर्ड में मनन शहर में हथियार और असलाह ला रहा था, उसकी नहीं है, किसी और की है जी, उसके बॉस की। सर मुझे लगता है कि इस रैकेट में किसी बड़े आदमी का हाथ है। सर मैं किसी भी तरह इसकी इन्फॉर्मेशन मनन से निकालूंगा। जैन सर। क्या बात है दवे साहब, प्रमोशन की तैयारी? अरे कोई से बचाओ। Yeah!
क्या हुआ? क्या बात? बंद कर अपनी नौटंकी। डॉक्टर बोलन, बंद कर अपनी फालतू की नौटंकी। मनन, अरे उठ। हे मनन, उठे। हे मनन, हे हे साहब, राठौर जी जल्दी आइए। हे मनन सर, चलो फिर। शिंदे, डॉक्टर को बुला। जी सर। लेके जाए इसको बाहर। हाँ, ये पकड़ सर। चलो चल, हवा में लेके चल। अरे दवाई, क्या किया तूने? मार डाला उसे? क्या मैंने कुछ नहीं किया? मैंने तो उसे बस दो थप्पड़ मारे। राठौड़, मैंने कुछ नहीं किया यार। He's dead. ये मर चुका है। हाँ रेडी सब, बोलिए। जी जी, पहुंच गया जयपुर जी। दोपहर को आऊंगा आपसे मिलने, केस के पेपर्स रेडी रखिएगा। रेडी साहब, बाद में बात करता हूँ, एक फोन आ रहा है। जी जी, धन्यवाद। इंस्पेक्टर दवे, बोलिए, कैसे याद किया? क्या पर गिरफ्तारी का कारण? हिरासत में मृत्यु तो बहुत ही संजीदा मामला है। चिंता मत करना, मैं वरुण से कहकर केस की सारी सूचना ईमेल से मंगवा लेता हूँ, पढ़ लूंगा, कल पहुंच जाऊंगा मुंबई। चल चल, बाय, टेक केयर। दवे, वरुण केडी को मेरे केस की डिटेल भेज दी है और उन्होंने केस पर काम करना भी शुरू कर दिया। कल लौट कर ही सुनवाई में वो डायरेक्टली मिलेंगे हमसे। ये क्या हो गया अचानक यार? मैंने नहीं मारा उसको, नहीं मारा मैंने उसको। डोंट वरी, हम जानते हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। हाँ वरुण, मैंने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट देखी, मनन के मृत शरीर की तस्वीरें भी देखी, और तस्वीरें देखकर मैं कह सकता हूँ कि ये केस जीता जा सकता है। तो एक काम कर, हमारे पास समय बहुत कम है, मैं कल की फ्लाइट से आ रहा हूँ, तू मेरी गाड़ी एयरपोर्ट पे छोड़ देना। मेरे पास डुप्लीकेट चाबियाँ हैं, मैं वहाँ से सीधा दवे से मिलने चला जाऊँगा। एंड बी रेडी, आई सी यू इन कोर्ट टुमारो। एक घंटे में केस शुरू होने वाला है और केडी अभी तक नहीं आया। कहाँ रह गया यार केडी? केडी, प्लीज इंस्पेक्टर दवे,
केडी पाठक बुलाकर मेरा भाव कम मत करो। तुम तो वो डिफेंस काउंसिल इंदर मोहन जायसवाल। आई एम जायसवाल। जायसवाल, तुम तो वही हो ना जिसने पिछले हफ्ते बिल्डर मेघराज माकवान को लैंडस्केप से बचाया था। 4 बिल्डर्स, 3 पॉलिटिशियंस, 9 बिजनेसमैन और 7 क्रिमिनल्स, टोटल करो 23। अपने महज 3 साल के करियर में 23 लैंडमार्क विक्ट्रीज। मीडिया यूं ही मुझे कानून का उभरता सितारा नहीं बुलाती इंस्पेक्टर दवे। लेकिन जायसवाल तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें मौका देने आया हूँ दवे, क्योंकि मैंने तुम्हारा केस स्टडी किया है और मैं जानता हूँ कि तुम निर्दोष हो, बेगुनाह हो। और मेरा दावा है कि 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट में मैं तुम्हें ये केस जितवा सकता हूँ। और फीस 1 रुपया भी नहीं लूंगा। टोटल FOC, फ्री ऑफ कॉस्ट। क्या कहते हो दवे? थैंक यू जायसवाल, लेकिन मेरा वकील केडी पाठक है। You're so innocent. जानता हूं मैं, और इसीलिए यहां आया हूं। पता नहीं क्यों तुम लोगों ने केडी पाठक के नाम का इतना बड़ा हुआ बना के रखा है। यू नो वॉट, केडी पाठक ने अपने करियर के पहले 3 साल में जितने केस लड़े नहीं उतने केस तो मैं जीत चुका हूं ऑलरेडी। क्लियर कंपैरिजन, केडी पाठक से ज्यादा कामयाब वकील तो मैं। जब तुम मेरे द्वारा केडी पाठक को नीचा दिखाना चाहते हो? मैं तो सिर्फ ये साबित करना चाहता हूं कि केडी पाठक के बगैर भी केस जीते जा सकते हैं। अब ये केडी वेडी का टाइम खत्म। अब केडी आउट, आई एम इन, आई एम जायसवाल द न्यू स्टार। तभी मैं मीडिया को बुलाकर ये पूरा केस कवर करवाऊंगा और रातों रात केडी की जगह ले लूंगा। और तुम आज रात का डिनर जेल में नहीं अपने घर में कर रहे होगे अपनी फैमिली के साथ। सोच लो, मेरी गारंटी है। और हाँ, याद रखना 10 मिनट बाइज्जत बरी। मिलने सेल में भी नहीं आया। पता नहीं, फोन ट्राई कर रहा हूँ लेकिन फोन स्विच ऑफ आ रहा है। और एयरपोर्ट भी गया था लेकिन वहाँ गाड़ी भी नहीं। क्या 5 मिनट में शुरू होने वाला है केस और मेरा सारा केस केडी के पास है? केडी लास्ट मिनट पे ऐसे भूल जाइए इंस्पेक्टर, भूल जाइए कि केडी पाठक आएगा और आपको बचाएगा। लेकिन गलती उसकी नहीं है, गलती तो आपकी है। आपकी जिंदगी का सबसे अहम केस और आपने उसे किसे सौंपा? उस इंसान को जो हमेशा आपके विरुद्ध रहा है। शायद आप भूल गए दवे साहब कि आप और मैं केस बनाते गए और केडी पाठक उन्हें तोड़ता रहा। आपने मदद मांगी भी तो किससे? अपने विपक्ष से। नॉट गुड। केडी ने मुझसे कहा है कि वो मेरा केस लड़ेगा। यू गॉट टू बी किडिंग मी। आपको ऐसा क्यों लगता है कि डिफेंस लॉयर और पुलिस कभी एक हो सकते हैं? नेवर मिस्टर दवे। और आज आपको बीच मझधार में छोड़कर केडी पाठक ने तो यह साबित कर ही दिया। कोई बात नहीं, जो काम उसने अधूरा छोड़ा है वो मैं पूरा करूंगी। आपको डुबाकर ऐसा केस बना है कि कम से कम 10 सालों के लिए अंदर जाएंगे। कम से कम 10। क्यों किया तुमने ऐसा मेरे साथ? के लिए
चेस वॉल का चुनाव इक्वल्स टू तुम्हारा बचाव। वेल डन दवे। राइट। मिस प्रतिज्ञा, आज तक आप केडी पाठक से तो हारती आई है, आज मुझसे हार कर देखिए और मजा आएगा। 10 मिनट। जब शाम मिस्टर जेसवाल जैसा पधार रहे हैं। डिफेंस की तरफ से तो केडी पाठक लड़ रहे हैं, तो फिर हर केस इस अदालत में केडी पाठक ही लड़े, ये जरूरी नहीं है ना सर। किसी वजह से केडी पाठक यहाँ पे नहीं आ सके हैं, तो इंस्पेक्टर दवे ने आज मुझे नियुक्त किया है उनका केस लड़ने के लिए। आई एम जयसवाल। कार्यवाही शुरू कीजिए। योर ऑनर, 19 अक्टूबर की शाम को एक हथियारों के स्मगलर मनन श्रीवास्तव को पकड़कर इंस्पेक्टर दवे गोल चौकी पुलिस स्टेशन ले आए। वहां उस आर्म्स रैकेट के ओनर का पता लगाने के लिए इंस्पेक्टर दवे ने मनन श्रीवास्तव को इंटरोगेट किया इंटरोगेशन रूम में, और उसे इंटरोगेट करते हुए बड़ी बेरहमी से मारा। सिर्फ ये ही नहीं, उन्होंने मनन श्रीवास्तव की गर्दन पे वार किया, इतनी जोर से वार किया योर ऑनर कि मनन श्रीवास्तव की मौत हो गई। और इन सारी बातों को देखा वहां मौजूद पुलिस वालों ने, और इसी बात को साबित करने के लिए मैं सबसे पहले नो योर ऑनर, आज आपको यहाँ इस अदालत में किसी भी गवाह की जरूरत नहीं पड़ेगी। व्हाट? ऊंचा सुनने की बीमारी है। 10 मिनट दवे बाइज्जत बरी। देखिए मिस्टर जज, योर ऑनर, आज यहाँ पे इस अदालत में ना ही तो हमें किसी सबूत की जरूरत है, ना ही किसी गवाह की और ना ही फॉरेंसिक रिपोर्ट की, क्योंकि कातिल खुद यहाँ इस कमरे में मौजूद है योर ऑनर, और मैं इजाजत चाहूंगा कि उसको इस कटघरे में बुलाकर इकबाले जुर्म करवाऊं। इजाजत है। गुज्जर सिंह। गुज्जर सिंह, तुम एक ट्रक ड्राइवर हो, राइट? जी साहब। अब ये बताओ कि जब मनन की मौत हुई तब तुम उसकी बाजू वाली कोठरी में थे, है ना? अब ये बताओ जज साहब को कि किस गुनाह में तुमको पकड़ा गया था? बोलो गुज्जर सिंह, बोलो गुज्जर सिंह। साहब बता रहा हूं साहब, मैं शराब पीकर ट्रक चला रहा था। बस 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 बस, मेरे लिए इतना ही काफी है। अब ये बताओ गुज्जर सिंह कि जब तुम और मनन बाजू बाजू वाली कोठरी में थे तब तुम दोनों अकेले कितने वक्त के लिए थे? साहब सब कुछ याद नहीं। साहब याद करने की कोशिश करो गुज्जर, जल्दी बताओ गुज्जर सिंह। हाँ साहब, शायद
दो तीन मिनट योर ऑनर, दो तीन मिनट। और इस दो तीन मिनट का फायदा उठाकर गुज्जर सिंह तुमने सलाखों के थ्रू अपने मजबूत बाजुओं का फायदा उठाकर बरन की गर्दन को जकड़ लिया और एक ही झटके में उसकी मौत कर दी। नहीं सर। मान लो गुज्जर सिंह, ताकि रिकॉर्ड टाइमिंग में सुनवाई हो सके, कोर्ट के पास ज्यादा टाइम नहीं है, मान लो। नहीं सर, नहीं। मैं उस आदमी को जानता नहीं साहब, कैसे मालूम साहब? और भला मैं उसे क्यों मारूं साहब? Your Honor, उस वक्त गुज्जर सिंह के पैर बेड़ियों में थे। Don't interrupt, Miss प्रतिज्ञा, मेरे सवाल अभी तक खत्म नहीं हुए। तो तुम प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहते हो? नहीं वकील। गुज्जर सिंह, अब तुम गए काम से, यू आर फिनिश। तो ये बताओ गुज्जर सिंह, जज साहब को के तुम जिस ट्रक कंपनी में काम करते हो उस कंपनी का नाम क्या है? I object your honor, गुज्जर सिंह के एम्प्लॉयर का इस केस से कोई भी ताल्लुक है। I said I'm not finished, Miss प्रतिज्ञा। सर, मेरे सवाल अभी तक खत्म नहीं हुए। सस्टेन, और मिस्टर जायसवाल, कोर्ट में प्लीज अपने लहजे को संभाल कर जीरा कीजिए, ओके? सॉरी योर ऑनर। हाँ तो गुज्जर सिंह जी। जी साहब। आपने मेरे 5 मिनट तो यूं ही वेस्ट कर दिए। खैर, अब आप अपने मालिक का नाम बताइए और मालिक की कंपनी का नाम भी बताइए। साहब, रौनक रोडवेज, और मालिक का नाम है रौनक सिंह। रौनक सिंह योर ऑनर, और इस रौनक सिंह के ट्रक ट्रांसपोर्ट के अलावा फिशरीज का भी बिजनेस है, मछली पकड़ने के जहाज। जी साहब, मैंने भी सुना है साहब। आपने सुना है, मुझे पता है योर ऑनर, स्टारलाइट फिशरीज। रौनक सिंह की स्टारलाइट फिशरीज के कई जहाज है, उसमें से एक जहाज है अजंता। ये उसकी तस्वीर है। अजंता नाम था ना उस बोट का? जी साहब, ये वही बोट है जिस पर मनन शहर में हथियार ला रहा था। आप चाहें तो पुलिस फाइल्स देख सकते हैं। You're right, इंस्पेक्टर दवे। यानी कि मनन और गुज्जर सिंह दोनों के मालिक एक ही है, रौनक सिंह। और रौनक सिंह ने बड़ी चालाकी से गुज्जर सिंह को लॉकअप में भेजा ताकि मनन रौनक सिंह का नाम ले, उससे पहले गुज्जर सिंह मनन का कत्ल कर सके। Am I right? ये इत्तेफाक नहीं योर ऑनर, ये एक साजिश, साजिश। क्या लगा गुज्जर सिंह, मैं कोई आम वकील हूं? मेरी नजर चील से कम नहीं है गुज्जर। जो मैं देख सकता हूं वो कोई सोच भी नहीं सकता, चाहे वो इंस्पेक्टर दवे हो, चाहे केडी पाठक, या फिर मेरी काबिल दोस्त मिस प्रतिज्ञा। देखिए वकील साहब, मुझे अपने मालिक के दूसरे धंधों के बारे में कुछ पता नहीं है। मैं तो साहब इतना जानता हूं कि मैं उनके छोटा सा मुलाजिम हूं साहब, उनके ट्रक चलाता साहब। साहब, मैंने उस आदमी को नहीं मारा साहब। और साहब, मेरा तो एक पैर बेड़ियों में जकड़ा था साहब। पता है मुझे कि तुम्हारा एक पैर बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, लेकिन अब मैं तुम्हें यह बताऊंगा गुज्जर सिंह कि तुम्हारा दाहिना पैर बेड़ियों में बंधे हुए होने के बावजूद भी कैसे तुमने मनन का कत्ल किया। योर ऑनर, उस दिन गुज्जर सिंह ने मनन को अपने पास बुलाया और ए भाई, ए भाई, इधर आना, मुझे रौनक सिंह ने भेजा है।
से बचाने के लिए। मासा। हाँ बोल। मैं तुझे आगे का प्लान बताता हूँ। हाँ तो बकना। देख कोई आता नहीं। ऐसा कुछ नहीं हुआ साहब, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने उस आदमी को नहीं मारा, मैंने उस आदमी को नहीं मारा वकील साहब। गुर्जर सिंह, तुम्हारे पास मकसद भी था और वक्त भी। 2-3 मिनट, उस 2-3 मिनट में तुम सिर्फ मनन के साथ अकेले थे और तुम्हारा वहां होना ही सबूत है कि तुम नहीं मनन को मारा है। नहीं साहब, नहीं साहब, नहीं साहब। That's it, Your Honor. 10 मिनट, मैंने कहा था तुमसे दवे, 10 मिनट के अंदर अंदर तुम कोर्ट के बाहर होंगे। माना के मनन श्रीवास्तव के साथ गुज्जर सिंह का नाम जोड़कर मिस्टर जायसवाल ने इस कोर्ट को एक नया पहलू दिखाया है। लेकिन उनके इस इन्वेस्टिगेशन में छोटी सी गड़बड़ हो गई है। गलती छोटी है क्योंकि बड़ी गलतियां तो मिस्टर जायसवाल जैसे लोग करते ही नहीं। मैं सिर्फ अपने काबिल दोस्त से एक सवाल करना चाहूंगी कि अगर मनन श्रीवास्तव का खून गुज्जर सिंह ने किया है तो फिर मनन की लाश गुज्जर के पैरों में पाई जानी चाहिए थी, ना कि 20 फुट की दूरी पर जहां पे लाश पाई गई थी। गुड ऑब्जर्वेशन मिस प्रतिज्ञा। ये इसलिए योर ऑनर क्योंकि मनन अपने आप को बचाना चाहता था और जाहिर सी बात है कि कोई भी इंसान अपने आप को बचाने के लिए घसीटता हुआ 20 फीट की दूरी पे जा सकता है। बिल्कुल मिस्टर जायसवाल, लेकिन मुझे एक और बात बताइए। जिस इंसान की गर्दन की हड्डी टूट चुकी हो वो अपने शरीर को 20 फुट की दूरी तक घसीटता हुआ ले जाएगा? I don't think that's possible. जिस इंसान की गर्दन की हड्डी टूट जाए वो अपने आप को घसीटना तो क्या, अपने शरीर को हिला भी नहीं पाएगा। तो फिर हो सकता है योर ऑनर कि गुज्जर सिंह ने खुद अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए मनन को मारने के बाद उसकी लाश को 20 फीट की दूरी पे धकेल दिया हो। कैसे कैसे कर सकता था वो ऐसे? वो तो सलाखों के उस पार था ना, तो फिर मनन की लाश को 20 फुट दूर कैसे फेंका उसने? Your Honor, बात ये नहीं है कि मनन की लाश कहाँ मिली मिस प्रतिज्ञा, बात ये है कि मनन की मौत हुई है और वो भी गुज्जर सिंह के हाथों से उसकी गर्दन तोड़ने के बाद। चलिए मान ले, कैसे तोड़ी होगी उसकी गर्दन? अपने हाथों से, राइट? लेकिन उसका सीधा हाथ तो बेड़ियों में बंधा हुआ था। मतलब ये कि उसका सीधा हाथ सलाखों तक पहुंच भी नहीं सकता था, तो फिर उल्टे हाथ का इस्तेमाल किया होगा, करेक्ट? द लेफ्ट हैंड। जाहिर सी बात को दोहरा के क्यों अपना और मेरा वक्त बर्बाद कर रही हैं आप? आपका समय बिल्कुल ना बर्बाद करते हुए मैं एक और सवाल करूंगी। कुछ ऐसे पकड़ा होगा उन्होंने शायद। राइट। बड़े अफसोस की बात है योर ऑनर कि मेरे काबिल दोस्त ने जितना वक्त गुज्जर के बैकग्राउंड को रिसर्च करने में लगाया, शायद अगर वो उसके फोरग्राउंड को रिसर्च करने में थोड़ा सा वक्त लगाते तो उन्हें ये पता चलता कि गुज्जर सिंह जिस ट्रक एक्सीडेंट में पकड़ा गया था उस एक्सीडेंट में उसके उल्टे हाथ यानी कि लेफ्ट हैंड पर चोट आई थी और वो डिसलोकेट हो गया था। गुज्जर सिंह अपने लेफ्ट हैंड को यूज कर ही नहीं सकता योर ऑनर। सब
मेरे बाएं हाथ में चोट लगी साहब, अभी भी सूझा है साहब। झूठ बोल रहा तुम गुज्जर, तुम झूठ बोल रहे हो। He is lying, your honor. He is not lying, your honor. गुज्जर सिंह झूठ नहीं, सच बोल रहा है और इस बात को मैं साबित भी कर सकती हूँ। जिस इंफॉर्मेशन के लिए आप अपने असिस्टेंट की तरफ देख रहे हैं मिस्टर जायसवाल, वो आपके पास है ही नहीं। योर ऑनर, ये है वो एक्सरे रिपोर्ट्स जो आज सुबह ली गई है गुज्जर सिंह के लेफ्ट हैंड की, जिससे ये साबित होता है कि उसका लेफ्ट हैंड इस वक्त बेकार है। रिपोर्ट सही है मिस्टर जायसवाल। तो बताइए मिस्टर जायसवाल, अब कहां गई आपकी वो हेकड़ी, वो आत्मविश्वास, वो ऊंची आवाज? आपके 10 मिनट तो खत्म हो गए साथ में केस में। अच्छा चलिए, एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि गुज्जर सिंह ने मनन का कत्ल नहीं किया, लेकिन क्या मिस प्रतिज्ञा, आपके पास कोई ऐसा सबूत है जिससे साबित होता है कि इंस्पेक्टर दवे ने ही मनन की गर्दन तोड़ी होगी? अब आप आए ना लाइन पर मिस्टर जायसवाल, अब आप आराम से बैठिए और मैं ये साबित करती हूँ कि इंस्पेक्टर दवे ने बेचारे मनन श्रीवास्तव पर क्या क्या अत्याचार किए। नहीं, मैंने मुश्किल से उसे 2 थप्पड़ मारे होंगे। रियली इंस्पेक्टर दवे, गौर से इन तस्वीरों की तरफ देखिए। मनन श्रीवास्तव के शरीर पे ये जो घाव के निशान है, ये 2 थप्पड़ से नहीं बने इंस्पेक्टर दवे, ये टॉर्चर के निशान है। और इस बात को साबित करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी अपने सबसे पहले गवाह, गोल चौकी के ही इंस्पेक्टर राठौर को, ऑफ कोर्स विद मिस्टर जायसवाल्स काइंड परमिशन। जब इंस्पेक्टर दवे मनन को लेकर पुलिस स्टेशन आए तो उसकी हालत बहुत बुरी थी। मुझे ऐसा लगा कि रास्ते भर उसने उसे पीटा होगा। राठौर, फिर वो मनन को लेकर इंट्रोगेशन रूम के अंदर गए। ठीक 10 मिनट के बाद कमिश्नर साहब का फोन आया इंस्पेक्टर दवे के लिए। मैं फोन का इंफॉर्मेशन लेकर इंट्रोगेशन रूम में गया तो वहां मनन की हालत और बुरी थी। To be noted, my lord. Inspector दवे मनन श्रीवास्तव को ऊपर पहुंचाना चाहते थे, यानी कि उन्होंने मनन श्रीवास्तव को मौत की धमकी दी थी। कहने में क्या जाता है सर, धमकी तो कोई भी दे सकता है। Do not interrupt, Mr. Jaiswal. मेरे सवाल अभी खत्म नहीं हुए। I'm so sorry. Yes, Inspector Rathore. उसके बाद मेरी आंखों के सामने इंस्पेक्टर दवे ने मनन की गर्दन पकड़ी और उसे जोर से दीवार से धक्का मारा। और ये मैंने अकेला नहीं देखा, मेरे हौलदार भी मेरे साथ थे। इंस्पेक्टर राठौड़ जो बोल रहे हैं वो सही है। उस मनन ने इंस्पेक्टर दवे साहब को गाली दिया, दवे साहब को गुस्सा आया, उन्होंने लॉकअप खोला और लॉकअप में जाकर उसका गला पकड़ा और जोर से धक्का मारा। और जज साहब, उस वक्त मेरे साथ राजाराम भी था। यानी कि आपके और इंस्पेक्टर राठौड़ के अलावा एक और विटनेस? जी साहब, मैंने भी ये देखा। यानी कि आप वो तीसरे इंसान हैं जिन्होंने ये सब कुछ देखा। कौन? उसके बाद, हाँ, उसके बाद दवे साहब को हमने बड़ी मुश्किल से उससे अलग किया और उसके थोड़ी देर बाद जब हम लॉकअप से बाहर आ गए थे तो गुज्जर ने हमें वहां बुलाया। हमने वहां जाके देखा, मनन बेहोश पड़ा था, हमने उसे पानी भी पिलाया। एक मिनट, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट मी लॉर्ड। ये बताइए राजा राम जी कि क्या आप लोग ने भी मिलके मनन को मारा था? नहीं नहीं साहब, बिल्कुल नहीं। डॉक्टर राठौर, मैंने और शिंदे ने तो मनन पर एक उंगली भी नहीं उठाई। और सब हमारे अलावा तो और कोई वहां था नहीं। अब बताइए राजा राम जी, आगे और क्या हुआ? फिर हमने जेल के डॉक्टर को बुलाया था।
यानी कि एक और चौथा विटनेस। योर ऑनर, मैंने आते ही कैदी का चेकअप किया था, उसकी नब्ज बंद हो चुकी थी और उसका हार्ट बीट नील था, वो मर चुका था। डॉक्टर सदाशिव, आपने चेकअप के दौरान और क्या क्या पाया? मनन के शरीर पर गहरा घाव था, उसकी गर्दन एक तरफ अकड़ी हुई थी, ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने उसे बुरी तरह से तोड़ा हो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले ही मैं समझ गया था कि उसकी मौत गर्दन की हड्डी टूटने से हुई थी। अपने पूरे करियर में पुलिस हिंसा का सबसे घिनौना केस था ये। इतनी बेरहमी से किसी को मारना, ये इंसानियत नहीं, हैवानियत है। और मिस्टर दवे कोई आम इंसान नहीं है योर ऑनर, ये एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर है जिन्होंने कानून का सहारा लेकर ही एक निहत्ते इंसान की जान ली। हम सब कानून के रखवाले हैं, आप भी, मैं भी, और खास तौर से ये पुलिस। लेकिन आज कटघरे में खड़े इस इंसान ने हम सब का सर शर्म से झुका दिया है, क्योंकि इंस्पेक्टर दवे वर्दी के नाम पे एक बदनुमा दाग। नीचे सब, मैं बेकसूर हूं, मेरा यकीन कीजिए। आप चाहे तो मेरा ट्रैक रिकॉर्ड देख सकते हैं, मैंने आज तक कभी किसी कैदी को बिना वजह बेरहमी से नहीं मारा है। जज साहब, मनन की जान मेरे हाथों नहीं गई है, प्लीज प्लीज मेरा यकीन कीजिए। रियली? आपने उसे नहीं मारा? आपने उसे बेरहमी से नहीं मारा और आपने उसकी गर्दन भी नहीं तोड़ी, लेकिन वहां मौजूद चार लोगों ने आपको उसकी गर्दन पे वार करते हुए देखा इंस्पेक्टर दवे। कांस्टेबल राजाराम, कांस्टेबल शिंदे, इंस्पेक्टर राठौड़ और गुज्जर सिंह। एंड योर ऑनर, उन चारों में से किसी ने भी मनन श्रीवास्तव को हाथ तक नहीं लगाया, तो वहां सिर्फ एक इंसान मौजूद था जो मनन श्रीवास्तव की गर्दन तोड़ सकता था, और वो आप हैं इंस्पेक्टर दवे, आप। आई ऑब्जेक्ट, मी लॉर्ड। ओवररूल्ड। जसवाल। योर ऑनर, मैं अपने मुवक्किल से अकेले में कुछ बात करना चाहता हूं। इजाजत है। दवे, मान लो कि मनन का कत्ल तुमसे ही हुआ है गलती से, मैं कम से कम सजा दिलवाने की कोशिश करूंगा। जसवाल, जब मैंने उसे मारा नहीं है तो? बस मत करो, तुम्हारी वजह से मैं अपने करियर का पहला केस हारने जा रहा हूं। दवे, तुमसे ज्यादा नुकसान तो मेरा होगा। जसवाल, मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा, मैं तो जीते जी मर जाऊंगा। प्लीज जसवाल, और तुमने तो कहा था कि 10 मिनट में केस। जसवाल, इतनी बड़ी उम्मीद दिलाकर उसे ऐसे मत तोड़ो, प्लीज प्लीज कुछ करो जसवाल, प्लीज। योर ऑनर, प्रोसिक्यूशन की दलील सुनने के बाद मेरे और मेरे मुवक्किल के पास और कोई चारा नहीं बचता सिवाय कि हम ये मान लें कि इंस्पेक्टर दवे से अनजाने में गलती से मन का कत्ल हुआ है। लेकिन मैं दरख्वास्त करना चाहूंगा आपसे कि इंस्पेक्टर दवे के ट्रैक रिकॉर्ड को मद्देनजर रखते हुए उन्हें कम से कम सजा सुनाई जाए। केडी ही मुझे बचा सकता है। प्रोसिक्यूशन, आपको इस केस के मुतालिक और कुछ कहना है? नो योर ऑनर, मिस्टर जयसवाल का पीछे हट जाना यह साबित कर देता है के केस पूरी तरह से एक तरफा है। ठीक है, तो फिर इसका फैसला मैं आपसे एक घंटे के बाद सुनाऊंगा, आफ्टर लंच। द कोर्ट विल कंटिन्यू आफ्टर लंच। जस्ट वन मोर थिंग सर, क्या सारे गवाहों को लंच के बाद वेट करना जरूरी है? वो क्या है ना, इंस्पेक्टर राठौड़ और उनकी टीम वापस पुलिस स्टेशन जाना चाहती है। ठीक है, उनकी कोई जरूरत नहीं, उन्हें जाने दिया जाए। वैसे भी मैंने अपना फैसला
इंस्पेक्टर दवे के खिलाफ ही तैयार किया है। द केस इज एज गुड एज क्लोज्ड। थैंक यू। वरुण अभी भी टाइम है, अगर अगले एक घंटे के अंडर केडी आ गया ना तो वो इंस्पेक्टर दवे को बचा लेगा। एक बार फिर से ट्राई करो ना। आई एम वेरी वरीड फॉर केडी। जयसवाल, पानी लीजिए, इसे आप पी भी सकते हैं और चाहे तो इसमें डूब के मर भी सकते हैं। रख लीजिए, काम आएगा। और मिस्टर दवे कोई आम इंसान नहीं है, ये एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर जिन्होंने कानून का सहारा लेकर एक निहत्ते इंसान की जान मारी। हम सब कानून के, आप भी, मैं भी, मैं खास तौर से। लेकिन आज कटघरे में खड़े इस इंसान ने हम सब का सर शर्म से झुका दिया। क्योंकि इंस्पेक्टर दवे वर्दी के नाम पे बदनुमा दाग। यदि कानून के रखवाले ही कानून को अपने हाथों में लेकर अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल करने लगें, तो आम लोगों का भरोसा कानून के ऊपर से उड़ जाएगा। इसलिए निहायत ही अफसोस के साथ इंस्पेक्टर दवे को मुझे सख्त से सख्त सजा सुनानी पड़ेगी। यह अदालत इंस्पेक्टर दवे को मनन श्रीवास्तव की मौत का जिम्मेदार मानते हुए उन्हें योर ऑनर इंस्पेक्टर दवे निर्दोष है। केडी चाहता हूं योर ऑनर, इस लिबास में मुझे अदालत में आना पड़ा क्योंकि मेरे पास समय नहीं था और ना कोई और चारा। वो इसलिए योर ऑनर क्योंकि
योर ऑनर, मेरे साथ जो घटना घटी है उससे स्पष्ट है कि इस केस से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति है जो नहीं चाहता कि मैं ये मुकदमा लड़ूं। और इंस्पेक्टर दवे, बरी हो। जरूरी नहीं है मिस्टर पाठक, आपने तो माशाल्लाह इतने लोगों को जेल भेजा है, क्या आपके दुश्मनों की कोई कमी नहीं है? योर ऑनर, जरूरी नहीं है कि इस किडनैपिंग का संबंध इस केस से है। और जहां तक इस केस का ताल्लुक है मिस्टर पाठक, I'm sorry to inform you, लेकिन आप बहुत देर से पहुंचे। मिस्टर जयसवाल आपकी जगह पर ये केस लड़ चुके हैं और हार भी मान चुके हैं, है ना मिस्टर जयसवाल? योर ऑनर, मेरे पास दो दलीलें हैं जो इस बात को स्पष्ट कर देंगी कि ये जो भी हुआ है दुर्घटना नहीं, एक षड्यंत्र है। I'm sorry, KD, but you are too late. अदालत का फैसला लिखा जा चुका है। ठीक है योर ऑनर, आप अपना कर्तव्य निभाइए, मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगा। आप निर्णय सुनाइए, मैं उच्च न्यायालय में उसके विरुद्ध अपील करूंगा, वहां अपनी दोनों दलील रखूंगा। क्या पता कब की तारीख मिले, कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद, लेकिन तब जो मैं वहां दलील रखूंगा वो अगर आप अभी आज सुन ले तो न्याय जल्द हो जाएगा योर ऑनर। और यही हमारा कर्तव्य है, बिकॉज जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। लुक केडी, मैं सेंटेंस लिख चुका हूं। मानता हूं योर ऑनर, अगर मेरी बात सही हुई तो आपके कलम से निकली हुई थोड़ी सी स्याही व्यर्थ होगी, लेकिन अगर आपकी बात गलत निकली तो एक निपुण पुलिस अफसर का जीवन व्यर्थ हो जाएगा। प्लीज योर ऑनर, रिक्वेस्ट यू। ठीक है, पूछो जो तुम्हें पूछना है। योर ऑनर, आप आज्ञा दे तो मैं कपड़े बदल कर। नो नीड, प्लीज प्रोसीड। केस मुझसे नहीं सुलझाओ, उसे तुम सुलझाओ। इट्स ओपन एंड शट केस, चाहिए तो पेपर पे लिखवा लो मुझसे। दो पंक्तियों के लिए कागज व्यर्थ करने की कोई आवश्यकता नहीं, SMS भेज देना। योर ऑनर, ये मृत मनन श्रीवास्तव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और खून के जांच की रिपोर्ट है। इसके अनुसार मृत्यु के बाद उनके खून में भारी मात्रा से कोडीन पाया गया। कोडीन योर ऑनर, जिसका इस्तेमाल पेन किलर्स यानी कि दर्द निवारक दवाइयों में होता है। सो पेन किलर्स की किसी को भी जरूरत पड़ती है योर ऑनर? हो सकता है कि मनन श्रीवास्तव को भी पेन किलर्स की जरूरत हो। प्रोसिक्यूटर साहिबा, मनन की आरोग्य स्थिति सामान्य थी, उसने ये पेन किलर्स सिर्फ अपने चोटों का दर्द दूर करने के लिए लिया था, और वो भी गिरफ्तारी की सुबह को ही। You just crack me up, Mr. Pathak. अब आप क्या साबित करना चाहते हैं कि सवेरे ही मनन श्रीवास्तव को ये पता चल गया था कि रात को इंस्पेक्टर दवे उसे पीटने वाले हैं, इसलिए उन्होंने पेन किलर सवेरे ही ले लिए? Absolute nonsense. Nonsense नहीं, common sense. सामान्य ज्ञान प्रोसिक्यूटर साहिबा, जो दुर्भाग्यवश इतना सामान्य नहीं रहा। योर ऑनर, मनन श्रीवास्तव ने खुद अपने आप को इंस्पेक्टर दवे के हाथों गिरफ्तार करवाया ताकि अपने शरीर पर लगे चोटों का जिम्मेदार वो इन्हें ठहरा सके। यही है मेरी पहली दलील। और इसे आप साबित कैसे करेंगे? गुड क्वेश्चन योर ऑनर। ये मनन श्रीवास्तव के मृत शरीर की तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों को देखने से साफ पता लगता है कि उनके चेहरे के दाहिने हिस्से पर, शरीर के दाहिने हिस्से पर चोट लगी है, और प्रोसिक्यूशन का यह कहना है कि ये घाव इंस्पेक्टर दवे ने उन्हें दिए। इंस्पेक्टर दवे, जरा आप अदालत को बताएंगे कि ज्यादातर आप किस हाथ का प्रयोग करते हैं, दाहिना या बायां? दाहिना। तो यानी अगर आप किसी पर वार करें तो किस हाथ से करें? दायां हाथ। करें। थैंक यू योर ऑनर। अगर वार करने के लिए कोई अपने दाहिने हाथ का इस्तेमाल करे तो चोट बाई तरफ लगती है, ना कि दाई तरफ। प्रोसिक्यूटर साहब, आप भी तो राइट हैंडेड, जरा खड़ी हो जाइए। चलिए अब अपने दाहिने हाथ से मुझे मारिए। अरे मारिए ना, अच्छा मौका है बड़ा दूर करने का।
कमान। इस तरफ नहीं, दाहिनी तरफ। मैं आपको राइट साइड पे कैसे मार सकती हूँ अपने राइट हैंड से? मुझे प्रॉब्लम होगी। अरे कोशिश तो कीजिए। पॉसिबल नहीं है। एग्जैक्टली माई पॉइंट योर ऑनर। दाहिने हाथ से चेहरे या शरीर के दाहिने हिस्से पर इतनी भारी भरकम, इतनी गहरी चोट देना असंभव है। मनन श्रीवास्तव के दाहिनी तरफ चोट थी, इसका मतलब वार करने वाला लेफ्ट हैंडेड था और इंस्पेक्टर दवे राइट हैंडेड है। योर ऑनर, इंस्पेक्टर दवे ने मनन श्रीवास्तव पर कोई वार नहीं किया, यही मेरी दूसरी दलील है। ऑर्डर, ऑर्डर। चलिए मिस्टर पाठक, आपकी इस इनक्रेडिबल फाइट क्लास से ये तो प्रूव हो गया कि वो चोटें जो मनन श्रीवास्तव को लगी थी वो इंस्पेक्टर दवे की वजह से नहीं है। लेकिन आप ना एक छोटा और बहुत ही अहम हिस्सा भूल रहे हैं, और वो ये कि मनन श्रीवास्तव की मौत शरीर पे लगे चोटों की वजह से नहीं बल्कि गर्दन टूटने की वजह से हुई। हां, इसकी जानकारी है मेरे पास प्रोसिक्यूटर साहब। योर ऑनर, सोचने वाली बात है कि एक इंसान अपने शरीर पर लगे चोटों को छिपा कर गिरफ्तार होता है और फिर उन्हीं चोटों का जिम्मेदार एक पुलिस अफसर को ठहराता है, उसके बाद उसकी मौत होती है जिसका इल्जाम उसी पुलिस अफसर पर आता है। इसे क्या कहेंगे आप प्रोसिक्यूटर साहिबा, इत्तेफाक, दुर्घटना या षड्यंत्र? योर ऑनर, मैं अदालत से निवेदन करता हूं कि जो निर्णय आपने लिया है उसे कुछ समय तक टाल दिया जाए, जब तक हमें मनन की मृत्यु का रहस्य नहीं पता चल जाता, क्योंकि कहीं ना कहीं इस षड्यंत्र का उद्देश्य उसकी मृत्यु से जुड़ा हुआ है। यू आर राइट केडी, तुम्हारी दोनों दलीलों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, इसलिए तुम्हें और वक्त देते हुए यह अदालत इस केस को अगली तारीख तक मुलतवी करती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। थैंक यू योर ऑनर। आई एम सॉरी केडी, लेकिन जब तुम नहीं आए तो मैंने जायसवाल को नियुक्त कर लिया। और फिर जो बीत गई सो बात गई। देख, जाहिर सी बात है कि मनन के केस में किसी ने तुझे फंसाया है, तो तुझे कोई क्यों फंसाएगा? कारण तुम तो जानते हो केडी कि एक पुलिस इंस्पेक्टर के बहुत सारे दुश्मन होते हैं, कुछ उस तरफ और कुछ खुद अपनी तरफ। लंबी लिस्ट है ये। अंगूठी दवे उस नकाबपोश इंसान वो जिसने मुझ पर हमला किया था उसके पास से मेरे हाथ में आई है। उसकी बेनामी गन भी मैंने फोरेंसिक्स में भेजी है उंगलियों के निशान के लिए। इसे कहीं पहले देखा तुमने किसी के हाथ में? ये अंगूठी देखी तो है लेकिन याद नहीं आ रहा। लेकिन केडी, वो कौन सी जगह थी जहां तुम्हें कैद किया गया था? अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है कोई, प्रेस्टीज टावर्स। ये तो वही जगह है केडी जहां मैंने मनन को अरेस्ट किया है। अच्छा, यानी कि मेरा शक सही है, मनन का उस आदमी के साथ कोई कनेक्शन है। लगता है उसी ने जेल भिजवाया मनन को। लेकिन मनन की जान तो किसी और ने ली है जो उस रात पुलिस स्टेशन में मौजूद था। मनन के कातिल तक पहुंचने के लिए सबसे पहले उस नकाबपोश शख्स तक पहुंचना पड़ेगा। मनन का पता जानते हो तुम? सर, मैं मनन के घर आ गया। नहीं सर, दरवाजा खुला था। नहीं, यहां कोई नहीं। कुछ मिलते ही मैं आपको फोन करता। बाय। हो, बॉक्सिंग बैग। ओ ये डंबल्स। लगता है मनन को बॉडी बिल्डिंग का बहुत शौक था। Thank you.
पेन किलर्स। केडी सर सही कह रहे थे, मनन ने पूरी प्लानिंग सुबह से ही की थी। इस पर भी खून, मनन के शरीर पर घाव करने वाले ने इस कपड़े को अपने मुक्के पर बांधा होगा। कभी पंगा मत लेना। अच्छा डायलॉग है। आपका शुभ नाम? जी बाबुल प्रकाश। बाबुल प्रकाश जी, अदालत को बताइए कि आप मनन की खोली में क्या कर रहे थे और आपने मेरे सहायक पर हमला क्यों किया। जी वो मैं डर गया था, मुझे ऐसा लगा कि मैं उसकी वजह से पकड़ा जा सकता हूं। पकड़े जा सकते हैं मतलब किस अपराध के लिए? जी असल में जिस दिन मनन की मौत हुई उस दिन उसने मुझे फोन करके अपने खोली पे बुलाया था सर। बाबर तू पागल हो गया है क्या? तू मुझे पैसे दे रहा है ताकि मैं तुझे पीटूं? हाँ, घाव अंदरूनी होने चाहिए जो बाहर से बिल्कुल नजर नहीं आए। तू एक बात बता, तू ये सब कर क्यों रहा है? देख अगर इतने सवाल पूछेगा तो मैं किसी और को ढूंढूंगा, ये पैसे उसे दे दूंगा। अरे नहीं नहीं ये तो मेरी जान है, अब तू मार खाना ही चाहता है तो तुझे मार देता हूँ, मेरे बाप का क्या जा रहा है। लेकिन सुन, ज्यादा लग जाए तो रोक देना, नहीं तो तू गया, समझा? उसकी टेंशन तू मत ले। मुझे तो मारना है, चल। टेंशन में क्यों लूं? चल टेंशन तो तू ले। ये मेरे तरफ से फ्री। हाँ राठौर साहब, मनन बोल रहा हूं, पूरी पक्की प्लानिंग हो गई है। वो दबे के खबरियों को पता चल गया कि मैं आज उन्हें प्रेस्टीज टावर के पास मिलने वाला हूं। अच्छा इंस्पेक्टर राठौड़, क्या आप ये बात पूरे विश्वास से कह सकते? जी अरे मेरे को तो टाइम भी बराबर याद है, 10:15 बजा था साहब। ए क्या बोल रहे तू, झूठ बोल रहे जा साहब। आपको जो कुछ भी कहना है कटघरे में आकर कहिए। सर एक मामूली से गुंडे के कहने से आप मुझ जैसे ईमानदार पुलिस ऑफिसर पर शक कर रहे हैं? सर ये बाबुल को मैंने कई बार अरेस्ट किया है, ये अपना पुराना हिसाब चुकाने के लिए मुझे फंसा रहा है। जा साहब मेरे पास कभी मनन ने कोई फोन नहीं किया। अच्छा चलिए इस बात की पुष्टि कर लेते हैं। सवेरे 10:15 बजे एक नंबर पर उन्होंने फोन किया था, वो नंबर है 9349-3921। योर ऑनर मैं इस नंबर को डायल करने की अनुमति चाहता हूं। इजाजत। थैंक यू योर ऑनर।
ये तो आपकी जेब में फोन झनझना रहा है, यानी कि ये नंबर आप ही का है, यानी कि आप मनन से मिले हुए थे। जी, मनन के द्वारा इंस्पेक्टर दवे को फंसाने का प्लान बनाया था। सब कुछ समझ गया ना? सब प्लान के मुताबिक होना चाहिए। इंस्पेक्टर दवे तुझे प्रेस्टीज टावर में पकड़ेगा, लॉकअप में तू बेहोशी का नाटक करेगा, डॉक्टर आएगा, तेरा घाव देखेगा, इंस्पेक्टर दवे सस्पेंड। प्लान सिंपल, वेरी सिंपल। लेकिन राठौर साहब, इसमें मेरा क्या फायदा? सोच ले बेटा, अगर आम से स्मगलिंग का केस ओपन हो गया ना, तो सीधा टाटा में अंदर जाएगा जीवन भर के लिए। लेकिन मैं तुझे बचा लूंगा, ऊपर तक सेटिंग है मेरी, मौका पाते ही जेल से भगा दूंगा, दूसरे मुल्क, बच जाएगा तू, समझा? सच? क्या मैं बाहर के मुल्क जा सकूंगा? ठीक है, लेकिन राठौर साहब, इसमें आपका क्या फायदा? मैं इंस्पेक्टर दवे से जलता था, कई प्रमोशंस जो मुझे मिलने चाहिए थे इसे मिले। अगर आम से स्मगलिंग का केस सॉल्व हो जाता तो ये मेरा बॉस बन जाता, जो मुझे कतई बर्दाश्त नहीं होता। इसलिए मैंने मनन के साथ मिलकर इंस्पेक्टर दवे को सस्पेंड कराने का प्लान बनाया। जज साहब, सस्पेंड? सिर्फ सस्पेंड? इंस्पेक्टर राठौड़, आपने इंस्पेक्टर दवे को निलंबित करने का नहीं बल्कि सूली पर चढ़ाने का प्लान बनाया था। नहीं सर, मुझे नहीं पता था कि लॉकअप में मनन की मौत हो जाएगी और उसका इल्जाम इंस्पेक्टर दवे पर आ जाएगा। बहरहाल ये तो आपके लिए फायदेमंद रहा। हाँ, पर मनन को मैंने नहीं मारा, मैंने तो उसे छुआ तक नहीं। यस मिस्टर पाठक, और इस बात की गवाही दोनों कांस्टेबल्स और कैदी गुज्जर सिंह भी दे चुके हैं। और यही नहीं मिस्टर पाठक, आपकी गैर मौजूदगी में ये भी साबित हो चुका है कि इन चारों में से किसी ने भी उस रात मनन श्रीवास्तव को हाथ नहीं लगाया था, ना ही कांस्टेबल्स राजाराम और शिंदे ने, ना ही गुज्जर सिंह ने, और ना ही इंस्पेक्टर राठौड़ ने। प्रतिज्ञा की बात सही है, आखिर उस रात किसी ने तो मनन पर वार किया होगा जिसकी वजह से उसकी मौत हुई। यस योर ऑनर, और वो इंसान आपके सामने खड़ा है, इंस्पेक्टर दवे। वो मैं नहीं था सर, मेरा यकीन कीजिए, और मैंने भी नहीं, मैंने भी मनन को नहीं मारा। जा साहब, मुझे पहले से ही पता था कि इसमें राठौड़ साहब का कुछ है। कैसे? देख राजाराम, तू तो नया आया है, तुझे कुछ मालूम नहीं। देख, ये राठौड़ साहब और दवे साहब, इन दोनों में हमेशा खुन्नस, किसी ना किसी बात के ऊपर पंगा। अब इस पंगे का नतीजा देख रहे हो ना, दवे साहब अंदर है और अब दवे साहब को बुरी तरह से फंसाने के लिए राठौड़ साहब भी अंदर गए हैं। जैसी करनी वैसी भरनी। वैसे तुझे क्या लगता है शिंदे, उस मनन की मौत के पीछे किसका हाथ है? इंस्पेक्टर दवे का या फिर इंस्पेक्टर राठौर का? 100% दवे साहब। अरे उस बेचारे राठौर साहब ने उसके ऊपर हाथ भी नहीं उठाया था, हाथ पसुन कानाला खड़ा। आज के बाद कभी भी किसी कैदी के ऊपर हाथ साफ करने के पहले 100 बार सोचूंगा। सच बोला, बराबर। वैसे शिंदे, तू पहले दिन कोर्ट के बाद किधर गायब हो गया था? पुलिस चौकी भी नहीं आया? अरे वो घर में गया था, मेरा भावजा आया था ना कोल्हापुर से, उसे मिलने। तेरा चाय खत्म हो रहा है, और मंगाओ क्या? नहीं नहीं, ठीक। वो मास्ट मैन जिसने तुमको किडनैप किया, उसी ने मनन का मर्डर किया होगा केडी। ये कैसे पॉसिबल है मिसेस बिलमोरिया?
उस रात इंस्पेक्टर दवे के साथ पुलिस स्टेशन में चार लोग मौजूद थे, इंस्पेक्टर, दो हवलदार और एक कैदी, और ये चारों लोग उस दिन अदालत में भी मौजूद थे, हम दोनों ने देखा था ना। फिर श्योर वरुण ये चारों पूरा समय मौजूद थे वहां? नहीं सर, लंच ब्रेक में वो चारों चले गए थे। और वो कैदी गुज्जर सिंह? सर वो तो पहले से ही बेल पर बाहर है। चारों में से कोई भी हो सकता है, क्योंकि प्रेस्टीज टावर अदालत से सिर्फ 20 मिनट की दूरी पर है। सर इसका मतलब यह है कि ये मुमकिन है कि इन चारों में से एक लंच ब्रेक के दौरान अदालत से प्रेस्टीज टावर गया होगा आपको मानने। पर कौन? वही मिसेस बिलिमोरिया, जिसकी उंगलियों के निशान उस गन पर है जो मैंने फोरेंसिक्स को दी है। एक काम कर वरुण, डॉक्टर अस्तुई को फोन कर और बोल कि इंस्पेक्टर राठौड़ और बाकी के जो तीन हैं उनके साथ उंगलियों के निशान मैच करने की कोशिश करें। अच्छा। योर ऑनर, मैं फोरेंसिक्स के डॉक्टर रस्तोगी से अनुरोध करना चाहता हूं कि वो कटघरे में आए और अदालत को बताए कि जिस नकाब पोश व्यक्ति ने मुझ पर हमला किया था उसकी गन की जांच से क्या पता चला है। मैं बिना किसी संदेह के साथ कह सकता हूं योर ऑनर कि मेरा हमलावर ही मनन का हत्यारा भी है, और इस समय वो इस अदालत में उपस्थित भी है। इजाजत है। डॉक्टर रस्तोगी, आपने कोर्ट की पिछली हियरिंग में गन की फिंगरप्रिंट्स रिपोर्ट क्यों नहीं पेश की? सर क्योंकि गन पे फिंगरप्रिंट्स का ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। वो आदमी बहुत ही चालाक था सर, उसने तो अपने हाथों पे साबुन मला हुआ था जिसकी वजह से गन पे कोई प्रिंट्स नहीं मिले। इसका मतलब आपको अब तक उस गन पर किसी की उंगलियों के निशान नहीं मिले? अफसोस, नहीं मिले। योर ऑनर, लगता है मिस्टर जायसवाल की तरह मिस्टर पाठक ने भी अपनी सारी उम्मीदें एक ही इंसान पर लगा रखी हैं। टेंशन मत लीजिए मिस्टर पाठक, पानी लीजिए। आई एम श्योर यू विल नीड इट। वैसे मिस्टर जायसवाल को भी पानी पिलाकर ही दिलासा दिया था मैंने। Your Honor, मैं कांस्टेबल शिंदे को कटघरे में बुलाना चाहूंगा। परमिशन ग्रांटेड। कांस्टेबल शिंदे, जब आपने और राजा राम ने मनन की चीखें सुनी तब आप अंदर गए, अंदर जाकर क्या किया आपने? जी मैंने उसे पानी पिलाया था। आपने उसे पानी पिलाया था और उसने पानी पिया भी था Your Honor, क्योंकि फोरेंसिक्स रिपोर्ट के अनुसार आखिरी वस्तु जो मनन के पेट में गई थी वो पानी ही थी। मैं जेल के डॉक्टर डॉक्टर सदाशिव को कटघरे में बुलाना चाहता हूँ। इजाजत है। डॉक्टर सदाशिव, आपने मनन के मृत शरीर की जांच की, आप ही ने उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाया। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि एक इंसान जिसकी गर्दन की हड्डी टूटी हुई हो क्या वो इतनी आसानी से पानी पी सकता है? जी नहीं। जिस तरह से उसकी रीढ़ की हड्डी के साथ में उसके गले की खाले की पाइप यानी फूड पाइप टूटी थी, इट इज इम्पॉसिबल कि ऐसे अवस्था में उसके मुंह से उसके पेट तक कोई भी चीज पहुंचे। तो अगर मैं ये कहूं कि पानी पीने के बाद उसकी रीढ़ की हड्डी टूटी तो क्या मेरा कहना गलत होगा? जी नहीं, इसकी संभावना है। जिसका मतलब ये होता है कि मनन की मृत्यु इंस्पेक्टर दवे के वार करने से नहीं किसी और के वार करने से हुई है। जी जी, इसकी गुंजाइश तो है। थैंक यू डॉक्टर सदाशिव। योर ऑनर, मेरा अगला गवाह इंस्पेक्टर राठौड़। इंस्पेक्टर राठौड़, यह स्पष्ट हो चुका है कि पानी पीने तक मनन जीवित थे और डॉक्टर सदाशिव के वहां पहुंचने पर मृत पाए गए। इसके बीच में क्या हुआ था? शिंदे और राजाराम ने मुझे वहां बुलाया, फिर मनन की हालत देखकर मैंने डॉक्टर सदाशिव को फोन किया। उसके बाद शिंदे और राजाराम उसे लेकर, उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं मालूम, आगे की बात आपको शिंदे और राजाराम बता सकते हैं। चलिए ठीक है, उन्हीं से पूछते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। ओके। अरे सुनिए, एक आपकी राशि क्या है?
राशि? हाँ आपकी राशि, आपकी कन्या वर्गो। क्यों? नहीं ऐसे ही पूछ रहा। क्यों मिस्टर पाठक, क्या अब आप ज्योतिष विद्या से खूनी का पता लगाएंगे उसकी कुंडली बनाकर? जी कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। योर ऑनर, मैं एक बार फिर कांस्टेबल शिंदे को कटघरे में बुलाना चाहता हूँ। जी हमने उस बेहोश मनन को, अब बेहोश नहीं, बेहोशी का नाटक करते हुए मनन को आपने, हमने उसे बेंच पर रखा था। तो बेंच पर रखा था, उसके सर की तरफ कौन था प्यारा जरा? मीतर तेचे पाए पकड़ ले, मेरा मतलब मैंने उसके पैर पकड़े थे, और सर की तरफ तो राजाराम था। ऐसी, और उसके बाद? पानी डालने के बाद भी कुछ नहीं हुआ, तभी मुझे डाउट हो गया कि वो मर गया है। 5 मिनट बाद डॉक्टर साहब आ गए। तो जब आप पानी लेने गए थे उस समय राजा राम मनन के साथ अकेले उस कमरे में थे? जी सर। धन्यवाद। वैसे आप शिंदे साहब, आपकी राशि क्या है? क्या राशि आपकी? मकर राशि। मकर राशि। आई डोंट बिलीव दिस मिस्टर पाठक, आप इसकी भी राशि पूछ रहे? योर ऑनर, ये केस मर्डर का है या फिर नक्षत्रों का? इतनी अधीर क्यों हो रही है प्रोसिक्यूटर साहब? बताता हूँ, धीरज रखिए। क्या राशि बताई थी? मकर राशि। मकर, मकर, राइट। धन्यवाद। राजा राम जी आइए। तो राजा राम जी, आप उस दिन जब मनन के साथ अकेले थे तब? नहीं मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो लाश को, मेरा मतलब मनन को छुआ तक नहीं था। अगर आपने नहीं किया तो किसने किया? क्योंकि कांस्टेबल शिंदे तो पानी लेने गए थे और जब डॉक्टर सदाशिव वहां पहुंचे तो मनन मृत पाया गया। इसका मतलब आप ही ने उसकी गर्दन को मरोड़ कर उसकी हत्या की है। नहीं 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 नहीं, वो आप ही थे जिसने मुझे हवाई अड्डे से अगवा किया और उस तहखाने में बंद किया। वो आप ही थे जिसने अपने मुख पर मुखौटा लगाया और मुझ पर गोली चलाई। आप ही थे? नहीं 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 साहब, मैंने कुछ नहीं किया कसम से, कोई और था वो, और था वो। आपकी 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 राशि क्या है राजा? मेष राशि होनी चाहिए। जी मेष राशि है जी। दिस इज एब्सोल्युटली रिडिकुलस क्वेश्चनिंग। मेरी राशि तुला है, जज साहब की मिथुन राशि है। आई एम श्योर ये इंफॉर्मेशन भी आपके काम आएगी, इजंट इट? योर ऑनर, प्लीज इनसे कहिए कि बीच में ना टोके। मिस प्रतिज्ञा, प्लीज डोंट इंटरप्ट द प्रोसीडिंग्स। थैंक यू योर ऑनर। हाँ तो राजा राम जी, आपकी उंगली पर क्या हुआ? उंगली कट गई साहब। कट गई? जरा बैंडेड खोल के दिखाई। नहीं नहीं नहीं। योर ऑनर प्लीज। मिस्टर राजाराम प्लीज कोऑपरेट। दिखाइए दिखाइए। राजा राम जी, आपकी उंगली तो कहीं से कटी नहीं है। बल्कि ये क्या है? ये निशान तो तब होता है जब वर्षों अंगूठी पहनकर उतार दिया जाए। योर ऑनर, ये अंगूठी मुझे मेरे नकाब पोश हमलावर के पास से मिली। हाथापाई में उसकी उंगलियों से मेरे हाथ में आ गई। ये रूबी की रिंग है योर ऑनर, मानिक, जो खासकर मेष राशि वालों के लिए बहुत फायदेमंद सिद्ध होता है। और मुझे पूरा यकीन है योर ऑनर कि ये अंगूठी राजा राम जी को एकदम फिट होगी। क्या कहते हैं, लाइए उंगली लाइए। पहली बार किसी मर्द को पहना रहा हूं।
वाह, बिल्कुल फिट होती है। क्योंकि आप ही की है अंगूठी। अब राजाराम जी, आपका एक बाले जुर्म। जी, जी। मनन की करतक, मनन की करतक पहले ही तोड़ी थी, पहले ही तोड़ी थी, पहले ही तोड़ी थी। ऑर्डर, ऑर्डर। उस दिन सुबह मैंने इंस्पेक्टर राठौर और मनन को फोन पर बातें करते हुए सुन लिया था। ये रात जानकर पहले मैंने सोचा कि इंस्पेक्टर दवे को बता दूं कि इंस्पेक्टर राठौर उन्हें फंसाने वाले हैं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि इससे मुझे क्या फायदा होगा, इसलिए मेरा दिमाग चला और मैंने अपना अलग प्लान बनाया। मैंने बाकी हवलदारों से जान लिया कि इंस्पेक्टर दवे का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, और फिर उनमें से एक भास्कर शेट्टी के पास में पहुंचा। इसलिए जब मनन दर्द और बेहोशी का नाटक कर रहा था तो इंस्पेक्टर राठौर के साथ साथ मैं भी जानता था कि असलियत क्या है, और जब मुझे स्टोर रूम में अकेले में मौका मिला तो मैंने शिंदे, हाँ, थोड़ा पानी लेके आओ ना, मुंह पे मार के देखते शायद होश में आ जाए। मरने का नाटक कर रहा है ना, ला मैं तुझे सच में मार देता हूं। जब मुझे पता चला कि ये केस किडी पाठक लड़ रहा है तो मैंने भास्कर अन्ना की मदद से मैंने ही इंस्पेक्टर दवे को बचाया है। 50 लाख रुपयों के लिए मैंने ये सब किया है। तो द डिफेंस रेस्ट योर ऑनर। यह अदालत मनन श्रीवास्तव के कत्ल के इल्जाम में हवलदार राजाराम को गिरफ्तार करने के साथ पुलिस को यह हुक्म देती है कि भास्कर शेट्टी को ढूंढकर उसे फौरन हिरासत में लिया जाए, और इस पूरे केस में इंस्पेक्टर दवे बेकसूर है, इसलिए यह अदालत उन्हें बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज्ड। अरे प्रोसिक्यूटर साहब, वो पानी का ग्लास जो आपने लाकर दिया था, अगर आप उसे न लाती तो इस केस का दूध पानी का पानी ना होता। मैं धन्यवाद। जरूरी नहीं मिस्टर पाठक कि हर बार आपकी किस्मत आपका साथ दे। दवे, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू केडी। आह मिस्टर जायसवाल, आज पता चला केडी कि लोग क्यों कहते हैं कि जब केडी अदालत में बोलता है तो सिर्फ केडी सुनाई देता है। यू द बॉस केडी। यू आर वेरी काइंड मिस्टर जायसवाल। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल। Click the show links and enjoy watching the videos.